हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है ये भी समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कई बार आप समझते हैं कि आपको क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है, ये कई बार बड़ा कन्फ्यूजन हुआ करता है। क्यों कन्फ्यूजन हो जाता है? क्योंकि जब कर्म हमारे हैं वो सही नहीं है तो हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। और कर्मों के अधिपति शनिदेव, जो आपकी राशि के अधिपति हैं, आपके लग्न के अधिपति हैं। समझ लीजिए कि यदि आपकी राशि है तो राशि के अधिपति और लग्न है तो लग्न के अधिपति। ये जो ग्रह है, कहते हैं ना जीवन में कि हरेक ग्रह और हरेक कुंडली में कोई ना कोई एक ऐसा ग्रह जो कि उस राशि के लिए, उस लग्न के लिए सबसे ज्यादा हितकारक ग्रह माना जाता है। इसी तरह आपकी राशि में सबसे हितकारक, सबसे कल्याणप्रद जो ग्रह है वो है शनिदेव। शनिदेव अब वक्री अवस्था से मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर 2024 को, और 15 नवंबर 2024 को ये जब मार्गी हो जाएंगे तो फिर 29 मार्च 2025 तक यहीं पर गोचर करेंगे, यानी कि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर। अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि ये प्रभाव क्या देंगे, पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मंगल की भी दृष्टि है शनिदेव के ऊपर, तो मंगल की दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी पीड़ित अवस्था में है, नीच अवस्था में चल रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए ना तो ये जो समय है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति में बड़े बदलाव लाने वाला समय है। आप इस समय बहुत बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, अपने जीवन वो निर्णय ले सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं लिया कभी। समझ लीजिए कि एक निर्णय इधर लेना है, एक निर्णय इधर लेना है, कंफ्यूजन चल रहा है, फिर करें क्या। इसमें संदीप निर्णय करवाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होगी। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा इस समय कर सकते हैं कि दूसरे नहीं, आपने खुद ने ना सोचा हो कि हम ऐसा कर पाएंगे जीवन में, यहां तक स्थिति में। परंतु थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन है, मैरिज लाइफ में सावधान हो जाइए, क्योंकि बात व्यात कलह का माहौल बनने की संभावनाएं बढ़ने वाली है। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए स्थितियां तो ठीक ठाक ही है, बहुत कोई खास समस्या नहीं है, परंतु हाँ मेहनत संदेह विषय खूब दबा के करवाएंगे। यानी कि दुकान है ना, दुकान को ऐसे भी नियम है, समझ लीजिए कि साड़ी की दुकान है, वहां तो जो देखने वाले होते हैं देखने के लिए तो 20 लोग देख रहे हैं, किसी को एक पसंद आ गया तो उसने साड़ी ले लिया भाई, चलो। पर अब उसको करे क्या, तो उसको किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। इसी तरह हम अपने जीवन में जब तक कोई चीज होती नहीं उसका महत्व नहीं समझते। अब सोचिए कि आप अपने जीवन में यदि सोच रहे हैं कि मैं स्थायी रूप से निवास करूं तो अलग ही बात। जीवन में संदेह का मूल मंत्र ध्यान में रखिए कि जीवन में यदि समस्याएं हो रही हैं संदेह की वजह से, साढ़े साथी की वजह से या दशाओं की वजह से या अन्य कारण भी हैं जो भी, तो उस स्थिति में या किसी भी स्थिति में संदेह का एक मंदिर निश्चित करिए। जब भी वहां पहुंचिए सेवा करिए, हनुमान जी के मंदिर में सेवा भी करिए। हनुमान जी के मंदिर में सेवा करेंगे हनुमान जी की तो कल्याण ही कल्याण है। तो कई बार जीवन में जो समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो जरूरी नहीं कि जो आ रही है तो उन्हें बदला नहीं जा सकता। बदला कैसे जा सकता है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारे हाथ में क्या है, कर्म है। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो वो बदलाव हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को समझना होगा कि आपको अपने व्यापार में भी इन छोटी छोटी बातों को अप्लाई करना होगा कि बदलाव की क्या जरूरत है, दाम्पत्य जीवन में भी क्या बदलाव की जरूरत है। आपके बदलाव से ही कुछ यहां बदलने वाला है। आप अपने जीवन में इस समय यह भी देखने वाले हैं कि आए दिन भले कुछ भी कहता रहे
कुछ भी सोचता रहे, परंतु हमें अपना कर्म करना है। इसके अलावा आप देखेंगे आपके आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा हुआ समय रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी होगी। इसका मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि भगवत सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। ये आप जो है तो जीवन में नियम बना लीजिए। और रही बात कि अब कार्य क्षेत्र में जब प्रभाव संदेह डालेंगे तो आपको फिर कैसे बचना चाहिए, तो जो आप सोचिए कि कुछ भी आपका माध्यम हो सकता है, तो ये संदेह का जो प्रभाव है, परिवर्तन है, यदि हम एक समराइज करें तो ये समझ में आ रहा है कि आपके जीवन में ये जो समस्याएं हैं उनका एक सोर्स है, एक कोई रास्ता है जिससे दूर किया जा सकता है। वो रास्ता आप संदेह खोल सकते हैं, परंतु सावधानी के साथ अवश्य जो है तो आप आगे बढ़िएगा। और कमेंट में हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, हनुमान जी की खूब सेवा करिएगा, इससे कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिएगा, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।